नमस्कार मैं हूं डॉक्टर नेहा पवार कंसल्टेंट ऑब्सोट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट कोकिकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई और आज हम बात करेंगे पीसीओडी में न्यूट्रिशन के बारे में तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये एसेंशियली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें जो पीड़ित महिला होती है उसे इरेग्युलर पीरियड्स वजन बढ़ना पिंपल्स फेशियल हेयर हेयर लॉस और इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है सो पी सी जो है ये कुछ हद तक एक लाइफस्टाइल स्टाइल इशू है और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से ये हार्मोनल इंबैलेंस हो हो के प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं जैसे कि खाने पे ध्यान न देना एक्सरसाइज टाइम पर ना करना स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होना जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं पी का एसेंशियल और रूट प्रॉब्लम जो है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी वजह से जो भी शुगर्स महिला ले रही होती है वो वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाती और उसका बहुत आसानी से फैट में बदलाव हो जाता है जिसकी वजह से एक इजी टेंडेंसी हो जाती है वेट पुट ऑन करने की और वो वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसीलिए पीसीओडी की जो भी ट्रीटमेंट होती है उसमें कॉर्नर स्टोन जो है वो सारा आपके डाइट एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल पे ही रहता है सो so, जब हम डाइट के बारे में बात करते हैं तो एग्जैक्टली पी सी ओ डी के पेशेंट्स ने क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए तो so, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस शुगर्स और जंक ये आपको पूरी तरह बंद करने पड़ेंगे तो आइसक्रीम्स चॉकलेट्स मिठाइयाँ प्रोसेस शुगर्स प्रोसेस बेवरेज पिज्ज़ा बर्गर्स जंक फूड ये जितना आप कम खाएंगे उतना आपकी सेहत के लिए बेहतर है बैलेंस्ड डाइट लेने की कोशिश कीजिए मील्स स्किप मत कीजिए बहुत लेट मील्स खाना प्रेफर मत कीजिए टाइम टू टाइम रेगुलरली अपने मील्स खाते रहिए इन मील्स में सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेने की कोशिश कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट जो काब्ज़ आप ले रहे हैं कोशिश कीजिए कि वो प्रोसेस्ड काब्ज ना हो जैसे कि मैदा वाइट ब्रेड शुगरी सीरियल्स ये आप कम से कम प्रमाण में लेने की कोशिश कीजिए और इसके बदले आप होल ग्रेन्स पे स्विच कीजिए जैसे कि होल व्हीट जवार बाजरा रागी ये सारे जो सोर्सेज होते हैं ये शुगर बहुत स्लोली रिलीज़ करके इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं इसके अलावा फाइबर का प्रमाण अच्छा रखिए तो प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये आपके डाइट में रखने की कोशिश कीजिए एक पोर्शन जो है आपके मील का वो होना चाहिए लीन प्रोटीन जिसकी वजह से आपका जो सटाइटी है या जो पेट फुल होने का टेंडेंसी है वो बेटर हो के आपका वेट कंट्रोल होने में हेल्प होगा तो लीन प्रोटीन का मतलब है एग्स फिश पोल्ट्री आप यू कैन टेक पनीर यू कैन टेक आप लेग्यूम्स uh, ले सकते हैं स्प्राउट्स ले सकते हैं जिससे कि जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो आपके हर मील में एडिक्वेटली होता रहे एल्कोहल कैफीन, इसका प्रमाण जितना कम रखेंगे उतना बेहतर है क्योंकि ये भी आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है हाइड्रेशन अच्छा रखिए स्नैकिंग में चिप्स और बिस्किट्स के वजह आप कोशिश कीजिए कि आप अनसोल्टड नट्स या सीड्स प्रेफर कर रहे हैं फैट डाइट्स या क्रैश डाइट्स के पीछे मत भागी क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं होते हैं और जब तक आप कर रहे हैं तब तक भले ही आपका वेट लॉस हो जाए बट उसके आगे वो सस्टेन करना पॉसिबल नहीं होता तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है जो आप रेगुलरली और डिसिप्लिन फैशन में रख सकें क्योंकि एक ग्रेजुअल और सस्टेन इम्प्रूवमेंट होना पी में बहुत ज़रूरी है और ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट्स देगा क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म रिस्क जो है डायबिटीज़ की कोलेस्ट्रॉल की हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ की इसे भी ये कम करने में हेल्प करेगा एक चीज़ याद रखिए कि पी हर एक स्त्री को अलग तरक, तरीके से अफेक्ट करता है इसीलिए जो चीज़ एक लेडी के लिए चल रहा है वो शायद आपके लिए ना चले इसीलिए एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल और एक डाइटिशन की सलाह ज़रूर लें ताकि एक टेलर मेड प्रोग्राम बनाया जा सके जो आपके नीड्स के हिसाब से आपको सूट करता रहे तो इसी तरह कंसिस्टेंटली फॉलो करके भले ही तुरंत तुरंत रिजल्ट ना मिलें बट इन द लॉन्ग रन अगर आप ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगी तो डेफिनेटली आपको पीसीओ से राहत मिलने में बहुत मदद होगी थैंक यू